अच्छी सर्विस, लिफ्ट, अच्छा शहर, लेकिन लंबा हाथ दे बैठे। एक जीरो। ये डिफेंस अच्छी शॉट, डिफेंस खूबसूरत नहीं कर सके और पावर दे करके ये लड़का खेल रहा है। लगा दिया मेरा काम लगा पता नहीं पता क्या क्या बेहतरीन शॉट लगा रहा है। पूर्वांचल के मंडल के हमारे सबसे बड़े वकील शत्रुघ्न सिंह जी आ रहे हैं, हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और उन्होंने अपना कीमती समय दिया। बाबू विजेंद्र सिंह साहब जो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जा रहे हैं हमारे मंडल के सबसे अच्छे वकील शत्रुघ्न सिंह साहब जो इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं, वो हमारे मंडल के कीमती हीरे हैं और कानून बेहतर और अच्छा जानते हैं, उनकी अगवानी के लिए विजेंद्र सिंह साहब पहुंचे हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम प्रेमी साहब तो बैठे हुए हैं दुआ ले रहे हैं। प्रहलाद पांडे से भी निवेदन करता हूं, बैज लगा करके आप जो है उनके गुलपोशी कीजिए और भाई विजेंद्र सिंह साहब से भी मैं कहूंगा कि वो आपके मेहमान हैं। विजेंद्र सिंह साहब की मेहनतें काम ला रही हैं, इनका परिश्रम काम ला रहा है और काम आ भी रहा है कि जितने मेहमान हमारे हैं सब एक एक करके आते जा रहे हैं और उनका स्वागत होता जा रहा है। अब इस कड़ी में हमारे मंडल के सबसे मशहूर बैज लगा करके शशिकांत करेंगे और अनिल सिंह से भी मैं निवेदन करता हूँ कि गुलपोशी उनकी करें। अमृत बख्श एडवोकेट जी का भी शशिकांत जी आप गुलपोशी उनके भी कीजिए और उसके बाद डॉक्टर परवेश कुमार सिंह साहब भी आ गए हैं, उनकी भी गुलपोशी आप कीजिए। सारे लोगों की शशिकांत और अनिल सिंह साहब आप लोग गुलपोशी कीजिए। सात चार। डॉक्टर परवेज सिंह हिंदी सेक्शन विभाग के हेड हैं वो और वो भी आ गए हैं, अभी अभी विजेंद्र भाई ने मुझे बताया है और उनकी गुलपोशी कीजिए। शशिकांत यादव जी और अनिल सिंह साहब आप सभी लोग गुलपोशी कीजिए। सात पांच। चंडेसर में ये हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं। दुर्गा जी पीजी कॉलेज में छह सात। इस तरह से हमारे तमाम मेहमान आए और एक एक करके सबका माल्य अर्पण हुआ, गुलपोशी हुई। शत्रुघ्न सिंह साहब के गुलपोशी करने के लिए बाबू विजेंद्र सिंह साहब जा रहे हैं और शशिकांत यादव जी भी जा रहे हैं। हमें खुशी हो रही है कि हमारे मंडल के कामयाब बेहतरीन और समझदार लायर वो हैं। आठ सात। अरे भाई हो। नौ सात।
भाई हमारे साथ विजय सिंह साहब, शशिकांत यादव जी जा रहे हैं और मैं अय्यूब वफा, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, इसलिए कि हमारे मंडल के सबसे बेहतर और अच्छे लायर के रूप में वो जाने जाते हैं और नाम बहुत दूर दूर तक उनका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गुलपोशी मैं भी करूं और हम सभी लोग उनकी गुलपोशी करेंगे। और सबसे पहले मैं विजेंद्र भाई से कह रहा हूं कि आगे चलें, शशिकांत आप भी चलिए और हमारे मंडल के सबसे बेहतरीन लायर जनाब शत्रुघ्न सिंह साहब, जो बेहतरीन और अच्छे लायर हैं, उनका स्वागत हो। बारी बारी से होगा जी। हाँ गुलपोशी, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, विजेंद्र सिंह साहब और शशिकांत जी और मैं अय्यूब वफा, सभी लोग शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि वो तशरीफ रखें। रॉबिन भक्त साहब से भी मेरी मुलाकात हो रही है, मैं चाहता हूँ कि शशि जी आप एक माला लेके आइए। शशिकांत यादव जी हो गया, अरे तो हम भी डाल दें भाई। शशिकांत जी दस बराबर, ए देवेंद्र भाई एक एक माला, एक माला दस बराबर। ग्यारह दस, ग्यारह बराबर कटाटा का ग्यारह, एक तो कैश दवाई वाई नहीं बराबर कुछ कर पा। भाई आज के हमारे इस मैच में जय सिंह भी तशरीफ ले आए हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और जय सिंह के लिए हम शशिकांत से निवेदन करते हैं कि उनकी गुलपोशी कर दें। जय सिंह अभी अभी ताजा ताजा आए हुए हैं, तो शशिकांत जी आप जरा उनकी गुलपोशी कर दीजिए। जय सिंह साहब की, जय सिंह साहब की, आइए बारह बराबर। जय सिंह साहब जय सिंह साहब की गुलपोशी हो रही है और ये भी एक इतिहास बन रहा क्लब। तेरह बराबर, चौदह बराबर, यही बेचारे हैं। पंद्रह चौदह, नजर आलम साहब, मुदब्बिर साहब, विजेंद्र भाई साहब, सभी लोग बैठे हुए हैं, सीनियर खिलाड़ी क्लब के राजेश सिंह साहब आ गए हैं। मैं चाहता हूं शशिकांत से कि उनकी अगवानी करें और गुलपोशी उनकी करें। बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं अपने वक्त के, अपने जमाने के। आप इधर आ जाइए सर, प्रहलाद पांडे जी आप दुआ दीजिए उनको और हम चाहते हैं कि शशिकांत आप जो है उनकी गुलपोशी करें। आइए आइए और चिरागों कितना, सोलह पंद्रह, सोलह पंद्रह। राजेश जी साहब मुझे वो शेर याद आ रहा है कि लहू न हो तो कलम तर्जुमा नहीं होता, हमारे दौर में आंसू जबा नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। राजेश जी आए हैं और अब इस मैदान में थोड़ा शोभा में बढ़ोतरी हुई है, रौनक में इजाफा हुआ है। राजेश जी को हम देखते हैं और कभी ये ग्राउंड देखते हैं अपने वक्त के मायानाज बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ियों से मिलते हुए सबसे सीनियर नजर आलम साहब,
मुदब्बिर साहब, ये लोग भी सितारे हिंद रहे हैं अपने वक्त के। नौशाद साहब, खुर्शीद साहब, हमारी यह खुशकिस्मती है कि ध्रुव नारायण यादव जी जो पटना हाई कोर्ट में वकील है, वो जज है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना सारा समय हमें दिया। श्री ध्रुव नारायण यादव जी जज हैं और साथ ही बगल में उनके हमारे मंडल के बेहतरीन लायर शत्रुघ्न सिंह जी साहब भी तशरीफ रखते हैं, हम उनका भी शुक्रिया रक्षक के रूप में हैं। वो रामाधीन सिंह साहब, फौजदार सिंह साहब, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा मुकाबला होता हुआ। ककराटा ने एक सेट जीता है और बीटी पैलेस दूसरे में भी ककराटा बढ़त बना करके खेल रही है और महज एक पॉइंट दरकार है मैच को समाप्त करने के लिए। अच्छी जगह इस्तेमाल किया, शॉट लगाया। 19-20 अगले मैच के बारे में जो ऐलान किया गया है फौरन वो आ जाएं, क्योंकि अब जो है आखिरी लम्हात में खेल प्रवेश कर गया है। अच्छी शॉट, अब हल्का हल्का हरारत आ रही है महेश, अब 20-20 बराबर, अब फंसा दिया है महेश को आसिफ की रहनुमाई में, बहुत पेचीदा और उलझे हुए खिलाड़ी। इस तरह से 21-20 यार बाहर भैया बाहर हो जाइए, बहुत चोट लग जाएगी। कहां जीत गेम अप और इस तरह से गेम हो गया। हालांकि ककराटा के मुकाबले की ये टीम तो बहुत नहीं थी, लेकिन मुकाबला आसिफ साहब की रहनुमाई में खूब हुआ।